रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से आज हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने खास बातचीत की, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यूपी में बीजेपी की लैंडस्लाइड जीत का दावा करते हुए दिखाई दिए। वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया। उस रोड शो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल थे। धामी सर हमारे साथ हैं, आप इस रोड शो में शामिल थे, आपने देखा किस तरह का माहौल आपको उत्तर प्रदेश में दिख रहा है? आपके उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। देखिए, उत्तराखंड में तो चुनाव हो गया है और उत्तराखंड में 5 सीटें बड़े बहुमत से, बड़े मार्जिन से हम जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए। और आज लखनऊ में मैं आया हूं, इससे पहले मैं अन्य स्थानों पर भी गया हूं। आज लखनऊ में जिस प्रकार का जन समुद्र मैंने देखा है, लोगों में उत्साह देखा है, माननीय राजनाथ सिंह जी के नामांकन में एक बड़ा सैलाब आया है। और लोगों ने जो विकास की राजनीति देखी है, पहले वोट बैंक की राजनीति होती थी, आज विकास की राजनीति हो रही है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लोगों में बहुत उत्सुकता भी है मतदान को लेकर और आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। पीएम की बात करें, पीएम लगातार कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखाई दे रही है। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, वो मुस्लिम लीग और मुस्लिम पर्सनल लॉ, उन्होंने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो हम लागू करेंगे। एक तरफ देश आज मोदी जी के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता को लागू करने का संकल्प ले रहा है, भारतीय जनता पार्टी संकल्प ले रही है, उत्तराखंड में लागू हो गया है, विधेयक पारित हो गया है, राष्ट्रपति महोदय की भी जो है उसमें स्वीकृति मिल गई है। तो फर्क साफ है, एक तरफ तुष्टीकरण करने वाले लोग, एक वर्ग विशेष को खुश करने वाले लोग हैं, गरीबों का, अनुसूचित का, ओबीसी का, एसटी का आरक्षण भी एक धर्म के नाम पर एक वर्ग विशेष को देने की वकालत करने वाले लोग हैं। इसलिए आज देश चूंकि इस दिशा में आगे बढ़ गया है, मोदी जी के साथ आगे बढ़ गया है, अब वो रुकने वाला नहीं है।